पतिव्रता सुनी नहीं रखवाले हैं राम, कल्पवृक्ष करुणा माई चौकी आठों जाम। पतिव्रता पानी चली पन ही ना ही पाए, वस्त्र अंग विनंग है वो आप देत उड़ाए। पतिव्रता पानी चली यानी सत्ता, जो पतिव्रता यानी सत परमात्मा की जो वो प्यारी आत्मा अनन्य मन से भक्ति कर रही है अपने एक इष्ट की, वो अपने जीवन किसी भी कार्यवश जाती है और उसके पास कोई असुविधा है तो तुरंत पूरी कर देता है। ऐसे बहुत से भक्त बहन भाइया बेटियां हमें मिलती हैं, भक्त कहते हैं जी हमारे यहाँ आश्रम में आने के लिए किराया नहीं था और 3 दिन से यही जुगाड़ था कि 200-400 रुपये हो जाएं, मिल जाएं तो हम आश्रम में जाएं कहीं से भी, क्यों गरीब आदमी के साथ और ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। कई बार ऐसी स्थिति परमात्मा पैदा भी कर देता है उसका विश्वास दृढ़ करने के लिए। फिर कहने दिया हमने तो भगवान पर छोड़ दिए, परमात्मा आप बुलाओगे तो जरूर आना चाहते हैं। आत्मा रो के कह रही थी, कहने लगी अगले दिन चलना था उसी दिन सुबह, चलने की तो कोई बात रही है को ना, किराए की व्यवस्था नहीं हुई। तो ऐसे में स्लैब वो जो पेन डी सी थी होती हैं स्लैब होती हैं घर में अलमारी की ताक से, उसमें कागज बिछा रखे थे पेपर अखबार के, वैसे उठाई नो और उसको तकरीबन दूसरे तीसरे दिन में रोज़ साफ करा करती। जिस दिन से यात्रा शुरू हुई उस दिन भी साफ करे थे वह। वैसे स्वाभाविक वो उठा कर मैं पोचे खाते नु मारन लगी तो 500 रुपये 100-100 के 5 नु मुड़े हुए ऐसे तय किए हुए, एक बार मुड़े हुए अन्नो रखे, मत गदगद होगी बच्चों को लिया सास डब्बा चल पड़ी आश्रम में। 3 दिन के बाद गई जब मैंने अपने पति से पूछा कि आप फोन पे वो मिलिट्री में सर्विस करते कि क्या आप ये मतलब, उससे फिर मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे बात से स्थिति हुई हमारे पास, या यू मन जो है विचलित करने की चेष्टा करता है, मन में न्यू आवा कदे वो डर गए हो मेरा ध्यान ना रहा हो, कदे कागजा में उलझ रहे हो, मैं रोज साफ कर देती थी और इन अखबारों में उलझ पुलझ हो रहे हो। उससे पूछा कि ऐसे ऐसे बड़ी मारी गई आपके याद हो आपने कुछ पैसे रखे थे, बोला मैं चोरनी कभी रखता ही नहीं, सारी आपको देता हूँ, शराब में पीता ना, बीड़ी में पीता ना, घर का सामान में लाता ना, 5-10 दिन की छुट्टी गया था मैं तो रिश्तेदारियों में, या फिर वो नाम नहीं ले रखा था उसने, बाकी उस पुण्य आत्मा को मना नहीं करता था। वो कहने लगा सचमुच सचमुच 500 रुपये पाए 100 गए। सब जगह मैंने अपनी सारी दृष्टि दौड़ा दी, कोई पैसा मेरे पास नहीं था। तो पुण्यात्माओं ये क्या कहना चाहते हैं, पतिव्रता पानी चले पन ही ना ही पाए। पतिव्रता जो पानी ना चली टूट गरीब, तो उसके पैरों में जूती भी नहीं है और वस्त्र भी अच्छे नहीं हैं। कहते हैं परमात्मा कहने का भाव ये है कि अपने जीवन रूपी सफर में आप चल रहे हो, मालिक की शरण माने के बाद और आपके साथ कोई अव्यवस्था है तो आप पूरी कर दिया पल में दे। कहते वस्त्र अंग विनंग है वो आप देत उढ़ाई, आप देत उढ़ाई, कैसे कोई आपको अव्यवस्था है किसी चीज का अभाव है तो वो परमात्मा आपकी तुरंत पूर्ण कर देगा। ऐसे और भी बहुत से भक्त बताते हैं ऐसे ऐसे व्याधि चलने लग गया, जब 100 का नोट पाया। एक माई कह रही थी जी मैं पति तो नाम नहीं ले रहा, वादा भी करता था, समागम आ गया करौथे आश्रम में जब हम सत्संग करते थे तो मैंने अपने पति से कहा कि मैं सत्संग में जाऊंगी, मैंने 100 रुपये दे दे। ये 8-9 वर्ष पहले की बात है। वो कहने लगा मैं तेरे को चवन्नी नहीं दूँ और तू तो तीसरे दिन झोला ठावे और वहाँ से ली जाती है। वो कहने लगी मैं कोई गलत जगह जाती हूँ, 60-65 साल की उम्र की बुढ़िया थी और तेरे बेटे जाने लग रहे वहाँ पर,
बेटे तो अपनी कमाई करे वो ले जाते हैं किराया, मैं किराया मान ले उनसे मांग भी लूं तो तुम नखरे करता है, क्योंकि बेटे अलग हो रहे हैं उनसे थोड़ा द्वेष रखता है, उनसे कैसे ले लेगी, वहाँ जाओ भी नहीं गी। तो उसने कहा कि मुझे 100 रुपये दे दे। ने बोला कती नहीं जान दूँ, और जाके दिखाई आज तू तो नहीं, मैं पैसा करा दूँ नहीं, तू जागी कैसे। तो वो कहने लगा मेरे द्वारा पैसा को ना, फिर आखिर में ये बहाना मिला उसने कि मेरे द्वारा 100 रुपये को नहीं। वो क्या कहती है उसकी पत्नी कि मैं तो बैठ कर रोने लगी जहाँ पूजा स्थल है, रोने लगी है भगवान देख कौन बनी। हम एक दूसरे के ऐसे बांध रखे हैं कि हम इनसे अब अपने भगवान के दरबार में भी नहीं जा सकते। आखिर में कहने की मैंने ये सोच लिया कि मैं अभी चाहती हूँ किसी पड़ोसन पर मांग मूंग कर मैं जाऊँगी। इतना दृढ़ निश्चय मैंने कर ही लिया था, लड़ाई होगी बोलेगी मार पीट लेगा और दो मुक्के खा लेगी भगवान के नाम पर, दुरु पिटा पर लाज पिटे मीरा बाई पिटी। ऐसे ही निर्णय होता है, ऐसे ही परमात्मा निकटाता है। इतने में बूढ़ा साइकिल लेकर जा था, गांव से निकला, सड़क थी अच्छी जो दिल्ली के ये पंजाब खोड़ की बात है, और वहाँ वो गया होगा सड़क के ऊपर जा आधा किलोमीटर, 100 का नोट ऐसे हवा में उड़ा, अगले साइकिल के अगले पहियों की ताड़ियाँ में आके चिपक गया। और उसने रोकया तुरंत साइकिल, 100 का नोट ताज़ा, उसकी तो गिगी बन गई, घबरा गया, उल्टा आया आके ने बोला ले भगवान तेरे भगवान ने भेज दिया तेरा 100 का नोट ले जा तू। और उसका जो है ना पसीने आ रहे, उसके बाद उसने मुझे मना नहीं किया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं पति भरता पग जमी पर जो जो धर है पाव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। पति भरता भूखी रहे, यानी पति भरता को यानी सच्ची उस अनन्य मन से पूजा कर रही भक्त आत्मा को कोई अभाव होता है, किसी चीज की आवश्यकता होती है और वास्तव में उसकी आवश्यकता है, तो कहते हैं पति भरता भूखी रहे वहाँ समरथ घर सोच। ऐसे पति की स्त्री के, ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म हो मोक्ष। मोच कहते हैं जैसी भक्त आत्मा जब दुखी होती है तो भगवान के दरबार में भी चिंता बन जाती है, और ऐसे पति की स्त्री के काल कर्म हो मोक्ष जो ऐसे दृढ़ता के साथ समर्पण के साथ पूरे विश्वास के साथ भगवान पर लगती है उसके नाम पर, कहते हैं उन्हीं का मोक्ष होता है, उन्हीं के पाप कर्म नष्ट होते हैं। कहते हैं नुक्ते ऊपर रिज जगारे कोट कर्म जल जा तुम्हारे, ये नुक्ते होते हैं जो हम लोग लाज और किसी परमात्मा के नाम पर ना किसी पति से ना पत्नी से ना पुत्र से कोई दबाव नहीं मानते अपने आत्म कल्याण के लिए, तो परमात्मा प्रसन्न होता है। परमात्मा कहते हैं मात पिता सुत स्त्री, मात पिता सुत सत्री, आलस बंधु कान, संत मिलन को जब चले ये अटकावे आण। मात पिता, बालक है, बेटा है, बेटी है, माँ बाप नहीं जानते सत्संग में, जो 15-16 साल के 20 साल तक हैं वो मात पिता के अधीन होते हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे बेटियां बेटियां के अधीन हो जाते हैं, बेटे का अधीन हो जाते हैं, या फिर आलस या फिर लोकलाज। जैसे आप यहाँ सत्संग में आते हैं कोई ना कोई जरूर टकरा देगा, काल कहाँ चले, बेरा है सत्संग में जानते होगे, थोड़ा तो पाँ लिख रहा है, तीसरे दिन वहाँ बैठे रहते हो, तो इस तरह के श्लोक सुना देते हो। और आप जो ज्ञान में कमजोर है इन बातों से दबाव मानने लग जाता है, और फिर वो आना भी कम कर देता है, उसको ज्ञान नहीं है।
इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि मात पिता सुत सत्री और आलस बंधु कांड, बंधु कांड माने लोकलाज, अपने मित्रों के वो कहे हुए व्यंगात्मक बातों से झिझक जाना। कहते हैं सतगुरु मिलन को जब चला ये अटकावे आण, ये आके आंट लावेंगे।